शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला। पिछले 2 साल से जांच हो रही है, कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। जो लोग भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके एक एक करके एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो जो नेता हैं, सबके फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सिक्कों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह आंदोलन आगामी दिनों में और तेज होगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक चुने हुए विधायक पहुंचे उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया, चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है। ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया, वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी करते रहे। कल शहीदी दिवस था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस, शहीदी पार्क में वहां श्रद्धांजलि देने के लिए सबको मशक्कत करनी पड़ी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वहां पहुंचे, तमाम मंत्री थे, तमाम विधायक थे, हमारे तमाम गठबंधन के नेता थे वहां। वो ऐसे बर्ताव किया जा रहा था जैसे हम अपराधी हो, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए जैसे हम अपराध करने आए। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को एक तो
आपने चोरी किया है और उसके ऊपर सिनाचोरी हो रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके भ्रष्टाचार के आरोप की भी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दी है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी का काला चिट्ठा आज देश के सामने खड़ा हुआ है, मोबाइल खड़ा है, काला चिट्ठा सबको दिख रहा है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। पिछले 2 साल से जांच हो रही है, कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी जिसके ऊपर इन्होंने पहले जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी, 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। मनी ट्रेल सामने आ गया, लेकिन अब सीबीआई बोल सकती है, ना ईडी बोल सकती है, ना कोई नहीं बोल सकता, और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो बताओ ये भ्रष्टाचार क्यों किया। 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, खाते सील कर लिए, कांग्रेस पार्टी आज प्रचार नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ चंदे के नाम पर 8,000 करोड़ रुपया वसूल लिया, ईडी सीबीआई से छापा मार मार के कौन सा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा, हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे, जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी महारैली। इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे।